हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस चैनल बार्डी क्राफ्टी मिस। आज मैं लेके आई हूँ 3 बहुत इजी DIY जो कि आप वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। वेस्ट जो प्लास्टिक मटेरियल है जो हम इजीली फेंक देते हैं, उसी की मदद से आप बना सकते हैं। किसी भी कॉर्नर को, किसी भी जगह को आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। वीडियो पे आगे चलने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले वाले जो DIY, इसके लिए जो बड़ा वाला 2 लीटर वाला जो थम्स अप का बॉटल है, वो तो हम सामान में इजीली खाते हैं और बहुत सारा इकट्ठा भी हो जाता है, पर एक चीज़ ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अच्छे नहीं है। तो जितना कम खाया जाए, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका जो बॉटल है, इसको दोनों पार्ट में हम डिवाइड कर लिया। उसके बाद हम एक टेक्सचर है यहाँ पे बना लेंगे। इसके लिए वॉल पुट्टी ले लिया, थोड़ी बहुत ग्लू ले लिया, और उसके बाद वाटर, पानी की मदद से एक थिक पेस्ट हम बना लेंगे। अब ये थिक पेस्ट को ईजीली आपको, अब देखिए, बहुत ज़्यादा रानी नहीं होना चाहिए, बहुत थिक, ताकि इजीली स्टिक हो जाए ये इसके ऊपर। और यहाँ पे देखिए, जो कोक का बॉटल था, जो कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल था, उसका जो निचला हिस्सा था, यानी नीचे का पोर्शन था, वही हम यहाँ पे लिया हूँ। अब इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और स्मूथ करने के लिए यहाँ पे हम पानी की मदद से यहाँ पे थोड़ी बहुत स्मूथ कर लेंगे। पर मैं बहुत ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो अनइवन सा टेक्सचर है, यही हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक लकड़ी का इफेक्ट देंगे। तो लकड़ी तो स्मूथ नहीं होता है, थोड़ी बहुत अनइवन तो रहता है, इसीलिए। तो यहाँ पे और भी हम इफेक्ट देंगे, यानी और भी डेकोरेट हम करेंगे। इसके लिए जो सेफ्टी पिन आते हैं या फिर कुछ नोकीला चीज़ है, उसी की मदद से यहाँ पे हम, देखिए कैसे कर रही हूँ, देखिए ऐसे हम थोड़ी बहुत इम्प्रेशन देंगे, ताकि ये जब सॉलिड बन जाए, यानी जब सूख जाए, ये जो इम्प्रेशन है रह जाएंगे। उसके बाद हम कलर अप्लाई करेंगे, दिखने में बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। तो प्रोसेस को आप देखते जाइए। और एक बात, जो मेरे चैनल पे नई है, तो प्लीज़ टू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसे सारे वीडियो हमेशा रविवार को देती हूँ, वीडियो में हर संडे आते हैं, तो प्लीज़ टू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाजू में जो बेल आइकन है, वो भी दबा देना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो बेस है वो रेडी हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम ब्राउन एंड थोड़ी बहुत ब्लैक मिला के, ब्लैकिश ब्राउन जैसा हम बना लेंगे, यानी डार्क ब्राउन, उसको हम ऐसे जेनरसली अप्लाई करते जाएंगे। और अब ये सूख जाने के बाद हम थोड़ी बहुत येलो ऑकर और ब्राउन को मिला के, यानी ब्राउन का ही लाइटर शेड, इसके ऊपर स्पंज की मदद से डैप कर देंगे। तो यह प्रोसेस को आप देखते जाइए, ठीक है। और एक बात, इसको आप एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको पिन होल्डर या फिर कुछ डेकोरेशन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ब्रश होल्डर के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो फाइनल लुक देखते हुए जाना, ठीक है। सेकेंड DIY, इसके लिए जो बॉटल का जो ऊपर वाला पोर्शन था, उसको हमने ले लिया, और इसके ऊपर एक टिश्यू पेपर का एक लेप लगाएंगे, यानी टिश्यू पेपर से हम कवर कर देंगे। इसके लिए एक पतीला में यहाँ पे थोड़ी बहुत पानी एंड ग्लू का एक मिक्सचर हम यूज़ करेंगे। इसका कुछ रेशियो नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। पानी का कुछ पोर्शन थोड़ा कम होना चाहिए और ग्लू थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, पर मेरे यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, पर कोई बात नहीं, इसी से भी कम बन जाएगा। बात यह है कि जो ग्लू होता है, फेविकॉल एमर वाला जो ग्लू होता है, वो बहुत थिक होता है। इसको थोड़ा लिक्विड करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हम अच्छे से ग्लू लगा के इसके ऊपर एक पतला सा लेयर हम टिश्यू पेपर के लगाएंगे, बहुत मोटा भी हम नहीं करेंगे, और इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, इसके ऊपर जो रिंकल आ रहे हैं ना, उसी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि एक टेक्स्चर जैसा मिल जाए। अब यहाँ पे इसको कंप्लीट सूखने के लिए छोड़ दीजिए। सूखने के बाद यहाँ पे हम कलर अप्लाई करेंगे। ये ना हम लैंटर्न बना रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए एक सनसेट जैसा हम बनाएंगे। सनसेट का जो कलर होता है, यानी ऑरेंज, येलो, गोल्डन येलो, यही ब्राइट कलर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए, पहले ग्रेडिएशन जैसा हम बनाएंगे, यहाँ पे गोल्डन येलो अप्लाई करेंगे, उसके बाद लेमन येलो यूज़ करेंगे, और बाद में ऊपर में थोड़ा पिच कलर, यानी ऑरेंज पिच, थोड़ा ऐसे टिंट हम दे देंगे। तो देखते रहिए।
आप ये भी कलर सूख जाने के बाद यहाँ पे हम मधुबनी पेंटिंग करेंगे, राफली फ्री हैंड हम ड्राइंग करेंगे। यहाँ पे ना पॉइंटेड जो पेन आता है उसी की मदद से हम करेंगे, क्योंकि ये पेपर है तो इजीली इसके ऊपर हम ड्राइंग कर सकते हैं। पर एक बात हम आपको बोलेंगे कि आप ये पेन की जगह पे ब्रश एंड कलर की मदद से कीजिए, वही जब आप अंदर लाइट लगाएंगे, जो लाइट अंदर से आएंगे उसके बाद ये जो कलर आप अप्लाई करेंगे वही निखर के आएगा। क्योंकि ये जो पोर्शन है ना जो हम पेन से ड्रॉ कर रहे वो इतना निखर के नहीं आ रहा था, पर मेरे पास टाइम नहीं था इसको रिक्रिएट करने के लिए, इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। तो प्लीज़ आपको बोलूँगी कि ये थोड़ी बहुत आप पेन यानी ब्रश एंड कलर की मदद से कीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ी और डेकोरेशन के बारे, यहाँ पे हम डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे हम लेस लगाएंगे, यानी लेस से थोड़ा बहुत डेकोरेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम ऊल की मदद से जो टर्सल आता है वो बना के यहाँ पे हम हैंग करेंगे। तो देखिए प्रोसेस को, और हाँ वीडियो को इतने देर देख लिया है तो थोड़ी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम टर्सल लगा दिया और उसके अंदर देखिए ऊपर में हम होल करके एक होल्डर जैसे यहाँ पे लगा दिया, देख सकते हैं। हाँ देखिए उसके अंदर हम बल्ब लगा के हैंग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे फाइनल लुक आप देखते हुए जाना, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट DIY के लिए ये चॉकलेट बॉक्स है, ये बहुत स्टार्डी होता है इसलिए इसको मत फेंकिए, इसको आप रीयूज़ कीजिए। जो चॉकलेट का ऐसे बॉक्स जो आता है, यानी आइसक्रीम का डब्बा भी जो आता है बार जैसा जो आता है, उसको भी आप रिक्रिएट कीजिए बिल्कुल इसी तरह से। पहले हम इसका बेस कलर के लिए जेसो अप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पे एक्रेलिक कलर मत यूज़ कीजिए, जेसो ही अप्लाई कीजिए। जेसो को सूखने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ पे हम डेकोपज करेंगे, पर डेकोपज पेपर हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट आउट यूज़ करेंगे। ऐसे प्रिंट आपको इजीली पिंटरेस्ट पे मिल जाएगा, आप A4 पेपर में कलर प्रिंट निकाल लीजिए। अब इसी को हम डेकोपज के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि बाहर में जो डेकोपज पेपर मिलता है ना बहुत कॉस्टली आता है, इसीलिए इसके सब्स्टिट्यूट में ऐसे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखिए डेकोपज के लिए ना आप सीजर से कट मत कीजिए, ऐसे राफ का कट करिए तो ही अच्छा लगता है। तो प्रोसेस को आप देखते हुए जाना, और जो पिक्चर में जो बेस कलर है वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे देखिए बैक में थोड़ी बहुत स्काई के ऊपर वाइट पेंटिंग भी है, बहुत थोड़ा सा है, उसी को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पे हम भी फ्री हैंड थ्रू कुछ पेंटिंग यानी हल्के हाथों से वाइट की टेक्सचर देके कुछ पेंटिंग करेंगे, ताकि आपको ऐसा लगे कि एक्सटर्नल कुछ पेपर नहीं है, हम यहाँ पे ड्राइंग किए हैं ताकि लगे कुछ वही है, इसीलिए इसको मिक्स एंड मैच करके यहाँ पे हम ड्राइंग कर रहे हैं। अब थोड़ी बहुत 3D कोन लाइनर से थोड़ी बहुत डिटेलिंग हम यहाँ पे करेंगे ताकि एक सुंदर लुक यहाँ पे आ जाए। तो देखते रहिए इस प्रोसेस को भी।
ये तो बन गया बॉक्स का लीड। अब है जो नीचे का पोर्शन, इसको भी हम डेकोपज करेंगे। ये जो फ्लावर है यहाँ पे हम कट कर लेंगे। कट कर करके ये जो पहले जो बेस कलर है ना फ्लावर के बीच में, फ्लावर का जो कलर है वो थोड़ी बहुत पीच कलर या फिर स्किन कलर के जैसा है, तो बैकग्राउंड हम उसी को ही रख रहे हैं। देखिए ग्रेडियंट बना रहे हैं, बीच में थोड़ी बहुत व्हाइट रख रहे हैं, व्हाइट छोड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्टिक कर देंगे वो भी पेपर। और एक बात, सारे कलर सारे डेकोपज पेपर यानी सब कुछ सूख जाने के बाद आपको एक कोट वार्निश लगाना ज़रूरी है। पहले आप मॉड पॉट यूज़ कीजिए, मॉड पॉट सूख जाने के बाद वार्निश अप्लाई कीजिए ताकि ये पेपर जो है ये भी फेड ना हो जाए, ये कलर भी पीला पो के नहीं निकलना है। अब देखिए यहाँ पर जो फ्लावर है या फिर जो साइड का जो पोर्शन है इसको थोड़ी और बहुत निखरना पड़ेगा। तो फाइनल लुक देखते रहिए।